The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadhshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. आज की इस क्लास से हम इंडियन इकोनॉमी को शुरू कर रहे हैं. इंडियन इकोनॉमी में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी अभी आपको दिख रही है, यानी कि अभी आपको एक एग्रीकल्चर सेक्टर दिख रहा है, एक इंडस्ट्री सेक्टर दिख रहा है, एक टर्शरी सेक्टर दिख रहा है, वो आज ऐसा क्यों है. पूरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस से लेके आज तक का. तो जो शुरुआत हम करेंगे इस टॉपिक की, वो करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. ठीक है, शुरुआत में हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. इस में हम सबसे पहले क्या समझेंगे, इस टॉपिक में हमको पूरा क्या क्या पढ़ना है. इस टॉपिक में हमको सबसे पहले पढ़ना है प्लानिंग, यानी कि हमको सबसे पहले समझना है कि प्लानिंग क्या होती क्या है. प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कितने तरीके की प्लानिंग होती है. फिर हम पढ़ेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग, इकोनॉमी, रोल ऑफ स्टेट क्या है प्लानिंग में, फिर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन प्लानिंग, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन प्लानिंग में हम क्या पढ़ेंगे, प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारे को आजादी मिली उससे पहले, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस. ये पढ़ेंगे. इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम फाइव ईयर प्लान पढ़ेंगे. फाइव ईयर प्लान में हम क्या पढ़ेंगे, हर एक प्लान का टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या हुआ, ओवरऑल रिव्यू. फिर हम फाइव ईयर प्लान को इवेल्युएट करेंगे, क्रिटिकल इवेल्युएशन. फिर हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग. ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है. तो हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, हमको समझना है कि प्लानिंग होती क्या है, कितने तरीके से हो सकती है, इंडिया में किस तरीके से होती है, इंडिया में जो अभी तक प्लानिंग हुए है उसके क्या क्या सक्सेस फेलियर होती, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे. जो दो इंस्टीट्यूशन थे, पहले आपने सुना होगा कि प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन आपके सारे प्लान्स को बनाता था, फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता था, लेकिन अब कौन बनाता है, अब नीति आयोग बनाता है. ठीक है, वो समझेंगे. सबसे पहले हमको समझना है प्लानिंग. प्लानिंग हम इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में समझे, उससे पहले हमको समझना है कि प्लानिंग ओवरऑल क्या होता है, व्हाट इज प्लानिंग इन ओवरऑल सेंस. ठीक है, तो देखिए, हमें कोई भी एक टारगेट है, लेट्स से आपका टारगेट आईएएस बनना है, या आईईएस को क्लियर करना है, या सीजीएल को क्लियर करना है, कोई भी बच्चा है, किसी का सबके अलग अलग टारगेट होता है. तो ये एक बच्चा है, ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है. ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की जब ये तैयारी कर रहे हैं, तो इसका एक टारगेट इसने सेट कर लिया कि भाई मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है. तो उस टारगेट को क्लियर करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले ये चीजों को प्लान आउट करेगा. कैसे प्लान आउट करेगा, कि मेरे पास एक साल का टाइम है, तो इस एक साल के टाइम में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस एक साल के टाइम में मुझे क्या क्या करना है, मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है,
मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद में मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, फिर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, फिर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ये सब करना है, ठीक है, एवरीथिंग वी हैव टू डू। बच्चे ने क्या कर दिया, बच्चे ने डिसाइड कर दिया कि हमें सब कुछ करना है, वी हैव टू डू एवरीथिंग, हमें सब करना है मतलब करना है, वो वाली बात हो गई। लेकिन क्या हम ये सारे टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जब तक हमारे माइंड में एक प्लान ऑफ एक्शन ना हो, जब तक हम प्लानिंग ना कर ले। तो प्लानिंग कहां पे रोल प्ले करती है, कि आपके गोल से आपके टारगेट तक के पहुंचने के बीच का जो ब्रिज है वो प्लानिंग है। यानी कि आपका जो एक टारगेट आपने सेट किया हुआ है उसे करने के लिए आप क्या छोटे छोटे स्टेप लोगे, ये देखो छोटे छोटे स्टेप लेके और हम अपने टारगेट पे पहुंच गए। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप, ऐसे प्लान ऑफ एक्शन आप क्या क्या लेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए, दैट इज नोन एज द प्लानिंग। ठीक है बेटा, समझ गए व्हाट इज प्लानिंग, कोई दिक्कत नहीं है इतने में, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज प्लान ऑफ एक्शन, समझ गए। यानी कि हमने एक टारगेट को अचीव किया और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी हमने स्ट्रेटजीज को फॉलो की, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो किए, स्ट्रेटजीज क्या है कि मैं कौन से महीने में कौन सी चीजें पढ़ूंगा, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कौन सी बुक से पढ़ूंगा, कौन से सोर्स से पढ़ूंगा, कौन से रेफरेंस से पढ़ूंगा, सेम वे। अब अगर हम यहां पर देखें इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में क्या प्लानिंग है, बिल्कुल सिंपल सिंपल समझते जाते हैं, लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में क्या है, हमने कोई एक टारगेट रख दिया इकोनॉमी में, जैसे कि अभी हमारा टारगेट है कि हमको $5 trillion इकोनॉमी बनाना है, मोदी जी ने बोला हुआ है कि हमको $5 trillion इकोनॉमी बनाना है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ टारगेट रखा है कि भाई हम इतने परसेंट से कम का अनएम्प्लॉयमेंट टारगेट, इसको हम एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है हमको। हमको कुछ हमने हेल्थ से लेके टारगेट रखे हुए हैं कि हमको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है। ठीक, यानी कि इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ टारगेट है। अगर हम हेल्थ के सेक्टर की बात करें तो हमारा ये टारगेट है, हम एजुकेशन की बात करें तो हमारा कुछ और टारगेट है। तो ऐसे हमारे अलग अलग टारगेट हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील टू गो स्टार्ट विथ। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट $5 million है। अगर हमारा टारगेट $5 million है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। इंडस्ट्रीज को करने के लिए क्या चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उन पे काम करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उस पे काम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जैसे कि हमको एक बेटर एनवायरनमेंट चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, लॉज जो होते हैं वो कंड्यूसिव होने चाहिए, ये सब काम पे काम करेंगे। अगर हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोगों में स्किल्स बनाएंगे, हम लोगों में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें हेल्थ चाहिए तो हम क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, किस बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, न्यूट्रिशनल चैलेंज के बारे में, हेल्दी ईटिंग, राइट, फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब समझ में आया कि हमने एक टारगेट डिसाइड किया, टारगेट क्या है, $5 million। देखिए ये केवल इंडस्ट्रीज से नहीं आएगा, और चीजों से आएगा, मैं बिल्कुल बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूं। $5 million का हमने टारगेट रख लिया, भाई हमको अपनी इकोनॉमी को $5 million बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या क्या रखा, हमको इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, इंडस्ट्रीज को इज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है, अनएम्प्लॉयमेंट में हमको क्या करना है, स्किल्स देनी है, एजुकेशन देना है, अब हेल्थ को हमको क्या करना है, सबको इंश्योरेंस देना है, न्यूट्रिशनल चैलेंज देना है, हेल्दी ईटिंग करना है। इतना समझ में आया। अब एक बात और समझिए, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि हमें ये पता चल गया हमारा टारगेट $5 trillion का है और हम अनएम्प्लॉयमेंट ये सब करते हैं। अब इसको एक्चुअल में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में करने के लिए हम या तो कोई पॉलिसीज लेकर आते हैं,
या कोई लॉ लेकर आते हैं या कोई ना कोई स्कीम लेकर आते हैं। जैसे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो मैं पिछले साल गवर्नमेंट कोड ऑफ लेबर लॉज लेकर आई है। कोड ऑफ लेबर लॉज में उसने क्या किया है कि जितने भी पुराने लेबर लॉज थे सबको उसने क्या कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया है, ताकि आपका जो फॉर्मल सेक्टर है उस पर रेगुलेशन अच्छा हो सके। समझ रहा है? इसके बाद में स्किल्स के लिए क्या कर रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बिजनेस सेटअप करने के लिए स्टार्टअप इंडिया, एजुकेशन के लिए डिजिटल इंडिया, इतनी सारी आप स्कॉलरशिप्स देखते हैं। हेल्थ में हमारा क्या टारगेट है कि हमारा न्यूट्रिशनल चैलेंज है वो पूरा रहे, तो हम क्या करते हैं, मिशन पोषण। जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, लैक्टेटिंग होती हैं, उनको 6,000 रुपीज का असिस्टेंस देते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कुछ ऐसा ही नाम है, मातृ वंदना योजना कोई ऐसा ही नाम है उसका, ठीक है। हेल्दी ईटिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पीडीएस हैं, जो हमारे राशन शॉप हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फोर्टिफाइड खाना, फोर्टिफाइड राइस, मिड डे मील स्कीम। इंश्योरेंस के लिए सबने सुना होगा आयुष्मान भारत। मैं आपको बहुत रीसेंट एग्जांपल इसीलिए दे रही हूं ताकि आप बिल्कुल चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में समझ पाए, ठीक है बेटा। इतना आपने समझा, अब देखिए इसको हम पूरा देखते हैं कि हमारी एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हमने कुछ टारगेट रखे, ठीक है। हमारा $5 trillion का टारगेट है, हमारा एम्प्लॉयमेंट का टारगेट है, हमारा हेल्थ का टारगेट है, इंडस्ट्रीज का टारगेट है, हमारा बाकी सब चीजों का टारगेट है। एक हमने पहले टारगेट डिसाइड किया, एक गोल, और हम प्लानिंग के थ्रू उस टारगेट तक पहुंचे। इतना क्लियर हो गया, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। प्लानिंग की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है हम वो देखते हैं, मतलब जो इकोनॉमिस्ट ने दी है। देखिए प्लानिंग की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, प्लानिंग का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है एच डी डिकिंसन। मैं बिल्कुल अच्छे से रीड आउट कर देती हूँ इस डेफिनेशन को एक बार, वर्ड टू वर्ड। इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस एंड टू हूम इज टू बी एलोकेटेड बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटरमिनेंट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज होल। आई नो नहीं समझ आई होगी, इसीलिए तो मैं हूं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है, What is economic planning? Economic planning is the making of a major economic decision major economic decisions में हमारे कौन कौन से decisions है बेटा, क्या क्या है, वॉट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड टू हूम allocated by a conscious by the या a conscious decision of a determinant authority on the basis of comprehensive
सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज होल. ये क्या है आपकी डेफिनेशन है. किसने दी है? H.D. डिकिंसन. जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन ये है. इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेकिंग ऑफ ए मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस एंड टू होम इज टू बी एलोकेटेड बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ए डिटर्मिनेंट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल. समझ में आया? नहीं आया होगा, ठीक है मैं समझाती हूँ. देखिए इसमें ना थोड़े जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं. मेकिंग ऑफ ए मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस. मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस क्या क्या इकोनॉमिक डिसीजंस में हमको दिक्कत है? व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस. व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस सबसे पहली दिक्कत हमारी ये है. एंड टू होम इज टू बी एलोकेटेड. एलोकेट किसना करना है? डिटर्मिनेंट अथॉरिटी कौन होगी? और इसमें जो है इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. कॉम्प्रिहेंसिव ठीक है. देखिए मैं यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूं कि ये जो वर्ड्स है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. अब याद कीजिए जब आपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा है ना आपने? इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ा देते हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले हमारे क्या इश्यूज है? हाउ मच टू प्रोड्यूस. सॉरी, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस. हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. यही थी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आपको नहीं लगता कि ये उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश है? अगर हम इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को देखें तो क्या हम इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम ऑब्जेक्टिव्स नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री रखें या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंडस्ट्री रखें, बेसिकली लेबर बेस्ड इंडस्ट्री रखें. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने उन दोनों में से क्या डिसाइड किया? हम फाइनली हमने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को चूज किया या लेबर इंडस्ट्रीज को चूज किया? जो हमने फाइनल डिसीजन लिया वही हमारी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है ना. यानी कि हमारी को इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के बाद एक डिसीजन लिया, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है वही हमारा ऑब्जेक्टिव है. अब हमारा सलूशन हमें दिमाग में पता चल गया कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल रहा है, सरकार को लगा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, तो हमने प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया. अब हमें पता चल गया अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, अब हम उसका सलूशन ढूंढ रहे हैं. सलूशन कैसे ढूंढ रहे हैं? कौन सी पॉलिसीज लगाएं, कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाएं, बच्चों को किस तरीके से स्किल सेट दें, एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लेकर आए, मार्केट ओरिएंटेड कैसे बनाए बच्चों को. तो आप चीजों को समझ पा रहे हैं? जो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखी थी उन्हीं सेंट्रल प्रॉब्लम्स का हमने सोल्यूशन किया और वही सोल्यूशन हमारे क्या बन गए? ऑब्जेक्टिव बन गए. इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेकिंग ऑफ ए मेजर इकोनॉमिक डिसीजन. जो भी हमने मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए, हमको एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, इंडस्ट्री में करना है, हमको अनएम्प्लॉयमेंट का किस सेक्टर से लेकर आना है, हेल्थ कैसी चाहिए हमको, एजुकेशन कैसा चाहिए, ए टू जेड जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं अबाउट व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस. आपको नहीं लगता कि ये दोनों सेम चीज है? हम यहाँ पे प्लानिंग जो हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस एंड टू होम एलोकेट. एलोकेट किसको करना है? फॉर होम टू एलोकेट. यही तीन तो मेन प्रॉब्लम थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स. याद कीजिए सबसे पहला लेक्चर इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स शुरू यहां से होती है. बाय ए डिटर्मिनेंट अथॉरिटी कौन करेगा प्लानिंग? मैं और तुम तो बैठ के करेंगे नहीं ना. आपको एक स्पेशलाइज लोगों की टीम चाहिए, एक आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, इकोनॉमिस्ट चाहिए. हु इज गोइंग टू डिसाइड? डिटर्मिनेंट अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अभी हमको इन्फ्लेशन पर काम करना है या एम्प्लॉयमेंट पर काम करना है. गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमारा आपका डिसीजन नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पर कितना बजट लेके आना है, इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आनी है. डिटर्मिनेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट. ठीक है,
गवर्नमेंट डिसाइड करती है मेजोरिटी बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल। कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे का क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे का मतलब यह है कि हम देखेंगे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। हम कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज में रहते हैं, कम्युनिज्म में रहते हैं, कैपिटलिज्म हमने फॉलो किया हुआ है या सोशलिज्म हमने फॉलो किया हुआ है, और उस बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे।